डाउनफॉल का खतरा रहता। सो मैंने सर्च करना शुरू किया और मुझे वहीं पर पता लग गया कि ये इनका एक जो है ना बहुत बड़ा और वीक पॉइंट है कि इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। और फिर जब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इनके पास प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है। लाइक इनकी जो एनुअल फंडिंग है, जो इनका एनुअल बजट है, वो मिलियंस में है। मोस्टली दो के इनका चैरिटीज से आता है, बट फिर भी उसके बावजूद भी जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मेरे ख्याल इनके 3 लोग थे जो मार्केटिंग के लोग हैं, बट वो फ्रीलांसर्स हैं, लाइक वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं इनके। थोड़ी सी मुझे चीज़ें जब मिली और फिर मैंने जब कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली तो आई हैड टू लाइक कॉल डायरेक्टली टू पोलका थिएटर, एंड देन आई हैड टू लाइक ई मेल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड शी वॉज काइंड इनफ टू यू नो रिप्लाई मी बैक, एंड शी गेव मी ऑल द आंसर्स दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। एंड फिर यू नो दैट रियली हेल्प मी डिवेलप माई यू नो होल आइडिया एंड अंडरस्टैंड वॉट दे आर डूइंग इन अ बेटर वे। सो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने मुझे काफ़ी आंसर्स किए जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, और फिर मुझे वो प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी हेल्प हुई। सो एनी वे वो हुआ, चीज़ें पता लगी, ये इनका बहुत बड़ा जो है वो लूप होल था मुझे पता चला। और फिर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के एंगल्स में, लाइक जो मेरे डायरेक्शन थी उसमें, मैंने बहुत सारा पार्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो शिफ्ट किया कि पोलका की एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। सो इस पे सारी मैंने जो है ना मेरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन जो है वो इस पे बेस कर रही थी। आपने प्रोडक्शन का आइडिया, प्रोडक्शन जो आप जो प्लेज आपने सोचा हुआ था एज आर्टिस्टिक डायरेक्टर, क्या आप अगले 2 साल में क्या प्रोडक्शंस लगाएंगे, उसकी भी आपने रीजंस देनी थी कि वो प्रोडक्शंस जो आप प्लेज सोच रहे हैं, जो स्टोरीज आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, उसके पीछे रीज़न क्या है। जो प्रोडक्शंस मेरी थी वो उसमें दो पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो स्टोरीज थी, पाकिस्तान के लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी जो है वो इकबाल मसीह की थी, जो कि अनसंग हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, और दे आर फेमस बट येट दे आर नॉट यू नो वेरी फेमस। बहुत सारे लोग जानते हैं, दुनिया उनको जानती है, बट हम ही नहीं जानते। सो फॉर इंस्टेंस, जैसे इकबाल मसीह के नाम से इटली में ऑलमोस्ट 25 के करीब जो हैं वो उनके नाम से स्कूल हैं, स्पेन में उनके नाम से राउंड अबाउट्स हैं एसोसिएट किए गए हैं उनसे, उनके नाम से। और बहुत सारे ऐसे वेस्ट में जो है वो एक्टिविस्ट हैं जो उनसे इंस्पायर हो के चाइल्ड लेबर पर काम करें, कैनेडियन एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, फॉरगॉट हिज नेम, उन्होंने इंस्पायर हो के अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की इकबाल में। तो ये वो चीज़ें हैं जो यू नो सरफेस करने की ज़रूरत है, जो बाहर लाने की ज़रूरत है। एक मेरी प्रोडक्शन ये थी, एक वेस्टर्न प्रोडक्शन थी और एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन और थी। मैंने उसका आइडिया दिया कि ये जो प्रोडक्शन है ये क्रॉस कल्चरल जो है वो एक एक्सपीरियंस दे सकती है आपको। बच्चों को जो है सिर्फ अपने रीजन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, आपको बाहर की दुनिया का भी पता होना चाहिए कि अगर 4 लोग फेमस हो गए हैं तो सिर्फ वो ही नहीं है जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु यू नो हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द गुड ऑफ दिस वर्ल्ड, तो दे शुड ऑल्सो बी अप्रिशिएटेड एंड देयर स्टोरीज शुड बी यू नो सीन एवरीवेयर। सो वो एक एंगल था। एंड देन फिर इसमें इस प्रोडक्शन में बेम कम्युनिटी की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी क्योंकि साउथ एशियन रीजन की स्टोरी है ये। इस तरह से मेरा आइडिया था। जो मेरी हेडिक थी उस पर मैंने ओबियसली काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया था, एंड आई वॉज एबल टू यू नो आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट वर यू नो थ्रोन एट मी। जो मेरा बोनस कार्ड था उसको मैंने ऐसे यूज़ किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही वीक थी। मैंने सोचा कि मैं इस जो बोनस कार्ड है इसको कुछ ऐसे यूज़ करता हूँ कि एक तो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़े और फिर कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें कि फॉर एग्जांपल जिस तरह भी कोरोना की वजह से थिएटर कंपनीज जो है वो बंद हो गई क्योंकि थिएटर जो है वो यूजुअली ऑडियंस से चलता है। क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो कि फ्यूचर में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है थिएटर
वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे ऑडियंस जाके ना देख सके, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट समथिंग जो कि ऑडियंस को घर बैठे वो थिएटर वाला एक्सपीरियंस दे। सो फिर मैंने सोचा कि हम ये जो 500,000 पाउंड की जो फंडिंग है इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें हम 3D प्रोडक्शंस डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है जहाँ पे लोग जो है वो साइन अप करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और फिर वो मंथली पे करते हैं, और ये प्लेस हम जो उस वेबसाइट पे होंगे वो सिर्फ प्ले 3D रिकॉर्डेड होंगे। लाइक आप स्क्रीन को मूव कर सकेंगे, आप एक्टर्स के क्लोज जा सकेंगे, सो ये 3D कैमरा से रिकॉर्डिंग होगी सारी। सो वो सारा थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, एंड देन फिर आपको आप अपनी मर्जी से अपनी जो भी जगह है पूरे थिएटर में, सीट जो है वो अपनी मर्जी की ले सकते हैं आप। सो फिजिकली जब आप जाते हैं तो आपको लाइक अपनी मर्जी की एक्सेस सीट्स भी नहीं मिलती। सो ये सारा आइडिया था कि प्रोडक्शंस हम करेंगे, इनिशियली हमारी अपनी प्रोडक्शंस होंगी जो 3D रिकॉर्ड होंगी, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के जो थिएटर कंपनीज हैं बड़ी उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी प्रोडक्शंस जो है वो भी डाल सकेंगे। और एक थिएटर डिजिटल लाइब्रेरी काइंड ऑफ बना सकेंगे। साथ में हम एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकेंगे कि जो थिएटर का एक्सपीरियंस जो है वो घर घर दे सके, और फिर उसे हम जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे ऑब्वियसली वो हम थिएटर की और अपने आने वाली जनरेशन की बेटरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सो इस तरह से मैंने अपना बोनस कार्ड यूज़ किया था, तो इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। आई होप कि आपको भी काफ़ी हद तक इंसाइट मिल गया है कि आर्टिस्टिक डायरेक्टर मॉड्यूल जो है वो क्या था, क्या प्रोजेक्ट था। सो बीच बीच में काफ़ी चीज़ें जो कि शायद मैं अपनी अगली वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली किसी भी बात से थिएटर रिलेटेड, तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो, डिटेल वीडियो, एंड आई आंसर एवरी क्वेश्चन दैट यू आस्क। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय।